तो मैं जा रहा हूँ कराची प्रेस क्लब, ठीक है, जो तमाम मुसलमानों ने फलस्तीन के लिए यकजहती का वो जो प्लान करा है वहाँ पर उनके लिए मौजूद होने के लिए, तो मैं भी वहाँ पे शिरकत करने जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ जाके आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम फलस्तीनियों से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और वहाँ आपको चंद लोगों से मिलवाऊँगा भी जो वहाँ मौजूद होंगे। आता रहिएगा, ये मेरा पहला व्लॉग है, देखते हैं कैसा जाता है। एंड आई लव यू फलस्तीन। फलस्तीनियों से तो ज़रा ये देखें, यहाँ पर भी माशाल्लाह काफ़ी मिकदार में लोग यहाँ मौजूद हैं यार। आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा, आगे माशाल्लाह बोर्ड्स वगैरह भी बने हुए हैं, और उसके अलावा नारेबाजी हो रही है। काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी लोग हैं मौजूद, और अभी तो स्टार्ट है, 4 बजे का बोला था, और 4 बजे से पहले पहले ये किधर है बाकी मार्क्स है लगा लेते, तो मुझे मार्क्स की वार्निंग मिल गई है, तो 1 मिनट में मार्क्स लगा लूँ पहले खबर। ये यहाँ भी साल से, ये सिर्फ एक फ्लैग नहीं है, ये साल से मोहब्बत का इजहार है। फलस्तीन भी चाहे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हमें देनी आजादी, हम सबका नारा आई स्टैंड विद गाजा। मैं काफ़ी लोगों से आपके सवाल क्या कहते हैं बातचीत भी करवाऊंगा, देखते हैं उन लोगों के फलस्तीनियों के लिए क्या ख्यालात हैं, और उसके अलावा फलस्तीनियों के लिए क्या ख्यालात वो रखते हैं, उसके अलावा इसराइलियों के लिए क्या। इसराइल के लिए तो सबको पता है कि गंदे होंगे, ऑब्वियसली मेरे भी यही हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको नेस्तो नाबूद करे। बाकी मैं आपके लोगों से बात करवाऊँगा, मैं उनसे पूछूँगा कि वो फलस्तीनियों के लिए क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं कि वो फलस्तीनियों के साथ कैसा रहा जाए और इसराइल के साथ कैसा रहा जाए। फिलहाल इसराइल के साथ तो सब यही चाहेंगे कि तबाह बर्बाद हो जाए। तो वहाँ पे मुझे मास्क की वार्निंग मिली थी, मतलब आप देख सकते हैं कि सभी इसको भी फॉलो किया जा रहा है कि मास्क वेयर करें, ये करें। मुझे उसके अलावा गर्मी की शिद्दत भी आपको पता है, जिसके बाद से इन्होंने पानी का इंतज़ाम भी रखा है, मैं आपको दिखाऊँ। मैंने अभी एक बात पढ़ी किसी के एक बोर्ड पे, बात थी तो वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बीच में वो चलाई के पास जा रहा हूँ, उससे बहुत अच्छी बात लिखी हुई अपने बोर्ड पे, ठीक है, एक मिनट नज़र आ रहा है मुझे, जब वो बोर्ड मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, जिस बोर्ड की मैं बात कर रहा था ना, जो मैंने पढ़ा था, वो बोर्ड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो एक्चुअली इन भाई ने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा सा बोर्ड सीधा गए। तो ये मैं बात आप लोगों को जो बता रहा था ना, वो ये बात है, देखें। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो इनका तो कोई घर ही नहीं है ना, तो ये तो बस कब्ज़ा करना जान सकते हैं, बस इन लोगों को कब्ज़ा करवा लो बस, और क्या कहते हैं जुल्म ज़्यादती करवा लो दज्जाल की कौन से। खैर, मैं आगे आ चुका हूँ, गर्मी है और लोग आप मेरे ब्लॉग के अंदर उसको स्टॉप कर पाइएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख लीजिएगा। बहुत मुझे दिल से प्राउड हो रहा है कि वी आर मुस्लिम। मैं आपको यहाँ मेरे दो मुस्लिम भाइयों से मिलवाता हूँ, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँगा उनसे, उसके बाद मैं उनसे कुछ सवाल पूछूँगा, फिर देखते हैं उनकी राय इस बारे में क्या है, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम भैया, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता रहे हैं। अक्षम है जी, अक्षम, अक्षम नाम है इनका, ठीक है। तो भाईजान, यहाँ आने का मकसद क्या है, सबको बताइए कि फलस्तीनियों के लिए मौजूद हैं, तो किस
इसके अलावा आपका ये क्या मतलब इसराइल के लिए क्या ख्याल आते हैं आपके, ये क्या होना चाहिए उसके साथ? होना चाहिए बिल्कुल ठीक है, और ये काम रियासत का। और देखें यहाँ पे हम जिस मकसद से आए, यहाँ पे हमारे हुक्मरानों को फोर्स करना चाहिए कि सही से चुप करके बैठने चाहिए, मुसलमान ममालिक मिलकर एक जिहाद करें, क्योंकि आप जिहादी है और इसराइल तबाह होना है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है सब। चार्ट पकड़ के मुझे दिखाने, अच्छा ये चार्ट भी बना के लाए तो वो देखिए, फिलहाल मैं पहले दिखा दूंगा दोबारा देख लीजिए। अच्छा तो मैं ज़रा पीछे जा रहा हूँ, पीछे मैं आप लोगों के लोगों से बात करवाता हूँ, उनसे सवालात करता हूँ उनके उनके इसराइल के बारे में क्या ख्याल हैं, फिर मैं आप लोग जगह दिएगा ज़रा जगह दे दें। अच्छा तो मैं भाई से जगह मांग रहा था पीछे, मैं पीछे जा रहा हूँ ज़रा, फिर आप लोगों की बात करवाता हूँ लोगों से, और मैं ज़रा आपको दिखाते हुए भी जाता हूँ कि यहाँ माशाल्लाह। तो मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो एक भाई आए और मुझे पानी की बोतल लेके चले गए, माशाल्लाह अल्लाह आपको इनका अजर दे। तो ऐसा है भाई हमारा कराची। अच्छा मेरे पास इन चीज़ों को पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं तभी थोड़ा सी वीडियो बड़ी कर रहा हूँ, इसको पॉज करके आप लोग पढ़ते रहेंगे। इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर जस्टिस एंड जस्टिस इज वेटिंग फॉर इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम। अच्छा चलो मैं इन भाई से ही कुछ पूछ लेता हूँ। भाई ये जो आपने चार्ट पे लिखा हुआ है माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सी बात, तो उसके तो एक मुझे एक बात पूछनी है कि आपके आपके क्या ख्याल हैं इसराइल को लेकर? अब ये सब ठीक नहीं हो सकता, चूँकि हम वेट करेंगे इमाम मेहंदी। ठीक है ठीक, ओके भाई। हालात बहुत गर्मी तो बहुत है पर उसके बावजूद इतनी मिकदार में लोग यहाँ मौजूद हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं फलस्तीनियों से, हर किसी का यही माइंड है, मेरा भी यही माइंड है, मतलब इसराइल को निश्चित हो जाना चाहिए। यहाँ एक अपने जान पहचान वाली बंदी मिल गई है, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। वेट सब चाहिए, मुझे नज़र आ गई, मैं जा रहा हूँ, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है मुझे देख के। हेलो, तो ये मिली है मुझे यहाँ पे, पहचानो मैं मुझे नहीं मार्क्स हटा नहीं सकते 120 का ख्याल कर, मार्क्स नहीं हटा सकते हम यहाँ पे मार्क्स। हाँ तो दानिया क्या ख्याल है तुम्हारे इसराइल को लेके? इसराइल को लेके यही जवाब की मुझे उम्मीद थी और बहुत अच्छा जवाब दिया। बस मैं अपना ब्लॉग बंद करने आ रहा हूँ, ओके अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।